Hello, friends. Once again, welcome back to my channel Pharmagyan, and today we will discuss about clean room classification by particle size concentration ISO guideline. This video is prepared from the uh, contents of ISO guideline ISO 146441 for pharmaceutical companies. Friends, if you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe my channel Pharmagyan. Let's continue the video. So, clean room generally, uh, hum. इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लीन रूम क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लीन रूम क्या होता है रूम विद इन विच द नंबर कंसनट्रेशन ऑफ एयरबोन पार्टिकल्स इज़ कंट्रोल्ड एंड क्लासीफाइड एंड विच इज़ डिजाइन कंसक्टेड एंड ऑपरेटेड इन अ मैनर टू कंट्रोल द इंट्रोडक्शन जनरेशन एंड रिटेंशन ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द रूम तो क्लीन रूम क्या होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स का जनरेशन है इंट्रोडक्शन है रिटेंशन है वो सब एक कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए वो हमारा क्लीन रूम होता है फोटो में आपको ये एग्जाम्पल जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो क्लीन रूम्स होते हैं उस टाइप का एक क्लीन रूम मैंने आपको दिखाया हुआ है नेक्स्ट है हमारा क्लीन जोन क्लीन जोन क्या होता है ए डिफाइंड स्पेस विद इन विच द नंबर कंसेंट्रेशन ऑफ एयर वोन पार्टिकल्स इज़ कंट्रोल्ड एंड क्लासीफाइड एंड विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड ऑपरेटेड इन ए मैनर टू कंट्रोल द इंट्रोडक्शन जनरेशन एंड रिटेंशन ऑफ कंटामिनेट्स इनसाइड द स्पेस वो क्लीन जोन क्या होता है कि एक क्लीन रूम के अंदर क्लीन जोन हमारा एक स्पेस होता है उस स्पेस में जो पार्टिकल्स हैं एयरबोन पार्टिकल्स उनको कंट्रोल किया जाता है उनकी जो कंसेंट्रेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है और जो कंटामिनेंट्स हैं उसके अंदर हमारा जो स्पेस है उसके अंदर जो कंटामिनेंट्स और पार्टिकल्स हैं उनका जनरेशन रिटेंशन, इंट्रोडक्शन को भी हम कंट्रोल मैनर में रखते हैं कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी या फिर जो नंबर्स हैं हमारे जो आई एस की गाइडलाइन में डिफ़ाइंड है उससे ज़्यादा नहीं होता है वो सब हम उसको कंट्रोल रखते हैं तो क्लीन रूम के अंदर हमारा क्लीन जोन होता है और क्लीन जोन का जो सराउंडेड एरिया होता है वो हमारा क्लीन रूम कहलाता है और क्लीन रूम के अंदर जैसे ये यूएफ़ लगा हुआ है इस पिक्चर में तो इस यू के नीचे जो एरिया रहेगा वो हमारा क्लीन जोन रहेगा मतलब एक स्पेसिफिक स्पेस रहेगा वो हमारा क्लीन जोन कहलाता है एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ क्लीन जोन का जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है ये हमारा यू है जिसके अंडर में ये जो एरिया है ये हमारा क्लीन जोन है और इसके बाहर का जो एरिया है हमारा ये कंट्रोल एरिया भी हो सकता है और क्लासिफाइड एरिया मतलब क्लीन रूम भी हो सकता है हमारा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लीन रूम क्लासिफिकेशन तो क्लीन रूम क्लासिफिकेशन मेनली थ्री टाइप्स का क्लासिफिकेशन है क्लीन रूम का सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है ऑक्युपेंसी स्टेट पर कोई सा भी एरिया है रूम है उसका हम जो क्लासिफिकेशन फर्स्ट करते हैं वो ऑक्युपेंसी स्टेट पर करते हैं जैसे कि एज़ बिल्ड मतलब जो एक रूम है जैसा हमने बनाया है वैसा कि वैसा ही रहेगा उसमें सारी यूटिलिटीज कनेक्टेड रहेंगी लेकिन कोई भी इक्विपमेंट मशीन इंस्ट्रूमेंट वगैरह ऑपरेशनल या फिर रेस्ट में कोई भी अवेलेबल नहीं रहेगा ओनली रूम जैसा है वैसा कि वैसा ही रहेगा नेक्स्ट है हमारा रेस्ट रेस्ट कंडीशन मतलब हमारा रूम है रूम में सारे इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब अरेंज है लेकिन ऑपरेट नहीं हो रहे हैं तो वो रेस्ट कंडीशन एंड द नेक्स्ट वन इज ऑपरेशनल रूम है रूम में सारी यूटिलिटीज सब कुछ कनेक्टेड है और सब कुछ ऑपरेट है ऑपरेट हो रहा है मतलब चल रहा है इक्विपमेंट चल रहे हैं मेन मटेरियल मूवमेंट है वो हमारा ऑपरेशनल कंडीशन हो जाएगा सेकंड जो क्लासिफिकेशन है रूम का वो हम करते हैं पार्टिकल साइज कंसेंट्रेशन से क्लासिफिकेशन जो कि इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं और आई क्लास नंबर भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में तो जो फर्स्ट वन है ऑक्यूपेंसी स्टेट इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ये एज वेल्ट रेस्ट एंड ऑपरेशनल कंडीशन ये नॉर्मली अंडरस्टूड है नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्टिकल साइज कंसनट्रेशन एंड आई एस ओ क्लास नंबर के बेस पर हम क्लीन रूम क्लासीफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं एयर एयरबोन पार्टिकुलेट क्लीनलीनेस क्लास कंपेरिजन तो इसमें क्या है कि ये जो हमारे क्लीन रूम्स के क्लासीफिकेशन हैं वो मेनली हम अलग अलग स्टैंडर्ड या अलग अलग फेडरल रेगुलेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं जैसे कि आई का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके क्लासिफिकेशन है उसकी जो क्लासेस हैं वो आई एस ओ क्लास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन तक जाता है ये हाइड हो गया है सॉरी और इंग्लिश में फेडरल स्टैंडर्ड टू जीरो नाइन ई के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारा वन क्लास वन क्लास टेन क्लास हंड्रेड क्लास थाउजेंड क्लास टेन थाउजेंड एंड वन लैख ये इस टाइप से हमारा इंग्लिश स्टैंडर्ड है और मैट्रिक में अगर हम देखें तो आई एस ओ क्लास थ्री हमारा एम वन पॉइंट फाइव रहेगा आई एस ओ फोर एम टू पॉइंट फाइव रहेगा आई एस ओ फाइव एम थ्री पॉइंट फाइव रहेगा आई एस ओ सिक्स एम फोर पॉइंट फाइव रहेगा आई एस ओ सेवन एम फाइव पॉइंट फाइव एंड आई एस ओ एट एम सिक्स पॉइंट फाइव तो जनरली हम ज़्यादातर आई एस ओ की क्लास या फिर आई एस ओ की गाइडलाइन रिफ़र करते हैं तो ये इंग्लिश और मैट्रिक सिस्टम को हम एक तरफ रख देते हैं क्योंकि इसको हम ज़्यादातर फॉलो करते नहीं हैं आई एस की क्लास को ही फॉलो करते हैं तो हमारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो क्लीन रूम्स होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं आई क्लास फाइव से आई क्लास फाइव सिक्स सेवन और एट ये चार टाइप के रूम्स हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होते हैं तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं और इन्हीं का जो पार्टिकल साइज कंसेंट्रेशन है आई क्लास फाइव का सिक्स सेवन एट का यही हम डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्लीन रूम क्लासिफिकेशन में जो पार्टिकल साइज कंसेंट्रेशन के बेस पर अगर हमारा ग्रेड ए एरिया है मीन्स आई क्लास फाइव एरिया है तो उसमें पॉइंट माइक्रोन के कितने पार्टिकल्स होने चाहिए और फाइव माइक्रोन के कितने पार्टिकल्स होना चाहिए वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरली ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं ये पॉइंट वन माइक्रोन पॉइंट टू माइक्रोन पॉइंट थ्री माइक्रोन पॉइंट फाइव वन एंड फाइव माइक्रोन सारे पार्टिकल्स का मैंने यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और यही सेम आपको आईएसओ की गाइडलाइन आई एस की गाइडलाइन में आपको मिल जाएगा तो जनरली हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो पार्टिकल्स क्लास हम मॉनिटर करते हैं स्पेसिफिकली इंजेक्टेबल में वो है हमारी पॉइंट माइक्रोन एंड फाइव माइक्रोन का तो पॉइंट माइक्रोन में ग्रेड ए का देखने जा रहा है मतलब आई क्लास फाइव आई क्लास फाइव में थ्री फाइव टू जीरो पार्टिकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फाइव माइक्रोन के डिफाइंड नहीं है मतलब कोई स्पेसिफिक डिफाइंड पार्टिकल्स नहीं है कितने पार्टिकल्स होने चाहिए माइक्रोन के अभी क्लास क्लास का अगर हम डिस्कस करें 6, मतलब ग्रेड बी ग्रेड बी में हमारे फाइव माइक्रोन के पार्टिकल्स थ्री फाइव टू डबल जीरो पार्टिकल्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए और फाइव माइक्रोन के टू नाइन थ्री पार्टिकल्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए ग्रेड सी का अगर हम डिस्कस करें तो फाइव माइक्रोन के ग्रेड सी में पार्टिकल्स पॉइंट फाइव माइक्रोन सॉरी थ्री फाइव टू ट्रिपल जीरो पार्टिकल्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और फाइव माइक्रोन के टू नाइन थ्री जीरो पार्टिकल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ग्रेड सॉरी क्लास एट जो हमारी ग्रेड डी है उसमें थ्री फाइव टू जीरो ट्रिपल जीरो पार्टिकल से ज़्यादा पॉइंट फाइव माइक्रोन के पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए और फाइव माइक्रोन के टू नाइन ट्रिपल टू नाइन थ्री डबल जीरो पार्टिकल्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो मेनली ये फोर क्लास और इसके पार्टिकल्स हमने कितने पार्टिकल्स होने चाहिए रेस्ट कंडीशन में वो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं ये इधर फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पर जो ए बी सी डी ई जो दिया हुआ है डिनोसन उनका यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जैसे हम अभी डी और ई e के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर हमने उधर डी में क्या है सैम्पलिंग एंड स्टेटिस्टिकल्स लिमिटेशन फॉर पार्टिकल्स इन लो कंसेंट्रेशन मेक क्लासिफिकेशन इन अप्रोप्रिएट सैम्पल कलेक्शन लिमिटेशन फॉर बोथ पार्टिकल्स इन लो कंसेंट्रेशन एंड साइज ग्रेटर देन वन माइक्रोमीटर मेक क्लासिफिकेशन एट दिस पार्टिकल साइज इन अप्रोप्रिएट ड्यू टू पोटेंशियल पार्टिकल लॉसेस इन द दैम्पलिंग सिस्टम तो ये जो डी और ई है जो मैंने बताया था कि इसका हम पार्टिकल काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो ही इधर बताया गया है आई एस की गाइडलाइन में थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञान प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फार्मा ज्ञान